इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एक ही बात है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहो या फिर ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बताना है कहां पर रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। जैसे हमारे पास बेंजीन है, फिनॉल है, नाइट्रोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन है। आपको बताना है कि इनमें चारों में सबसे फास्ट रिएक्शन कहाँ होगी। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। अब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नहीं है, तो इसको अपन मान लेते हैं ये रेफरेंस है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, प्लस एम के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये माइनस एम के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ये माइनस आई और प्लस एम लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल अगर देखें तो कम करेगा। ठीक है, देखो जो भी प्लस एम लगाते हैं, जितने भी प्लस एम वाले हैं, वो सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो एक्टिवेटिंग भी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग। ये माइनस एम लगा रहा है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा और साथ में डीएक्टिवेटिंग। केवल हेलोजन ऐसे हैं जो प्लस एम के साथ माइनस आई लगाते हैं, और प्लस एम के कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन माइनस आई ओवरऑल ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि हेलोजन ऐसे ग्रुप हैं जो ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग होने के बाद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर है वो प्लस एम के कारण है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 में, 2 पर तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 4 के बाद 3। ये हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, और देख लीजिए, जैसे अगर हमारे पास फिनॉल है, और एक फिनॉक्साइड है। अब बताइए, फिनॉल और फिनॉक्साइड में ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन होगा? फिनॉल और फिनॉक्साइड में कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा? एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग नहीं बेटा, फिनॉक्साइड आयन। क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक न्यूट्रल डोनेट कर रहा है और एक एनायन डोनेट कर रहा है, तो एनायन मोर डोनेटिंग होगा, तो ज्यादा रिएक्टिव फिनॉल और फिनॉक्साइड में फिनॉक्साइड होगा। और देखिए, अगर हमारे पास एक फिनॉल है और एक बार एनिलीन है, अब आपको बताना है ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फिनॉल या एनिलीन? फिनॉल या एनिलीन, विच वन इज मोर रिएक्टिव? बहुत ही बढ़िया, एनिलीन, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर ज्यादा होगा OH से, तो एनिलीन ज्यादा रिएक्टिव है। आ रहा है सबको समझ में? जहां पे समझ में नहीं आए तुरंत मुझे बताना। ये है एनिलीन और एक है एसिटैनिलाइड। एनिलीन, दूसरा एसिटैनिलाइड और तीसरा बेंजामाइड। अब बताओ, पहले एनिलीन और एसिटैनिलाइड में बताओ, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। 1 और 2 में 1 ज्यादा होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर 100% रिंग में जाएगा,
जबकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसकी रिंग के अंदर इंटरनल रेजोनेंस होने के कारण रिंग के अंदर दोनों का प्लस एम है, बट फिर भी प्लस एम इसका ज्यादा है, तो जहां पे प्लस एम ज्यादा वहां पर रिएक्टिविटी भी ज्यादा। और ये वाला ये तो माइनस एम लगाएगा, और माइनस एम तो डीएक्टिवेटिंग है, और डीएक्टिवेटिंग है तो रिएक्टिविटी कम होगी, इसलिए 1 2 3 में सबसे ज्यादा 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, सिमिलरली एक एग्जांपल और देखते हैं, सेम ऐसा ही। अगर हमारे पास फिनॉल है और एक फिनाइल एसीटेट है, इस वाले का नाम एसीटाइनिलाइड है, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम एसीटाइनिलाइड, ये बेंजामाइड है, और एक मिथाइल बेंजोएट है। तो अब देखिए यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये फर्स्ट वाला, फिर ये इंटरनल रेजोनेंस, और सबसे कम ये, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट। चलिए अब एक एक करके रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, देखो अगर बेंजीन की रिएक्शन NO2 पॉजिटिव से किया जाए तो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्ट करके ये बना लेगा नाइट्रो बेंजीन, तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा है इसलिए इस रिएक्शन को कहेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब NO2 पॉजिटिव आएगा कहाँ से, सोर्स ऑफ NO2 पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है, तो ये नंबर एक हो सकता है NO2 पॉजिटिव आ जाए नाइट्रेटिंग मिक्सचर से। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है, नाइट्रिक एसिड और H2SO4 का जो मिक्सचर है उसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। हो सकता है नाइट्रिक एसिड HNO3 डाइल्यूट ले लिया जाए, इससे भी हो जाएगा। हो सकता है, अब जैसे HNO3 H2SO4 ले जा सकता है, सिर्फ डाइल्यूट HNO3 ले सकते हैं, N2O5 ले सकते हैं, जो N2O5 है एक्चुअली ये आयनिक कंपाउंड है जिसमें NO2 पॉजिटिव और NO3 निगेटिव होते हैं, NO2 पॉजिटिव CLO4 निगेटिव लिया जा सकता है, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। जब नाइट्रिक एसिड H2SO4 लेते हैं तब देखिए कैसे रिएक्शन होती है, H2SO4 डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव में, फिर ये दोनों रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। अभी देखेंगे आगे कैसे बनाते हैं, पर इनमें से कुछ भी लिया जा सकता है। इनफैक्ट हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड भी ले सकते हैं, इनमें से कुछ भी रिएजेंट लिया जाए सभी में बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन में। रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, जैसे देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, रिएक्शन विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, H2SO4 है डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव, ठीक है, नाइट्रिक एसिड OH NO2, ये H पॉजिटिव से कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा
तो ये बन जाएगा ओ एच ओ एच पॉजिटिव एनओ टू। अब ऑक्सीजन जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये एच टू ओ निकल जाएगा और ये बन जाएगा एनओ टू पॉजिटिव। नाउ दिस एनओ टू पॉजिटिव विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, यहां से वाटर निकल गया, और ये जो एच एस ओ फोर निगेटिव था ये एक्ट करेगा एज ए बेस। देखिए रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले तो बेंजीन है विच इज न्यूक्लियोफाइल, और एनओ टू पॉजिटिव जो है ये है इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन का काम क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। जो बेंजीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा, ये ऐसा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये एच और ये एनओ टू। ये जो कार्बोकेटायन बना इसी को हम कहते हैं एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ दिस एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये ऐसा गया लास्ट स्टेप में एच एस ओ फोर निगेटिव आएगा, बेस की तरह आएगा, एच प्रोटॉन को ले जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा यहां पे जाएंगे और एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी। नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड टू बेंजीन, विल बी कन्वर्टेड टू नाइट्रो बेंजीन। ये मैकेनिज्म है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए जब डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 में कैसे रिएक्शन होती है, सॉरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो नाइट्रिक एसिड तो आपको पता है एच पॉजिटिव और NO3 निगेटिव में डिसोसिएट होगा। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ओ एच एंड डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ अंडर एसिडिक मीडियम। ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट होकर के ये एच ओ एच पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, ये एच टू ओ निकल जाएगा और ये बन जाएगा एनओ टू पॉजिटिव। और ये जो एनओ टू पॉजिटिव बना है ये होगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहां से जो NO3 पॉजिटिव निकला था और दिस विल एक्ट एज ए बेस। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, यहां पर भी बिल्कुल सेम। कैसे? बेंजीन है NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये H NO2, ये इसमें रेजोनेंस होगा, लास्ट स्टेप में NO3 निगेटिव आएगा, बेस की तरह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और फिर एरोमेटिसिटी रीजनरेट हो जाएगी। तो ये NO2 नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले, अच्छा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते तो भी यही रिएक्शन होती। अब यहां पे अगर देखें तो नाइट्रिक एसिड का ही एक मॉलिक्यूल, यहां पे नाइट्रिक एसिड एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और यहां पे नाइट्रिक एसिड बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। और अगर एक ही कंपाउंड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड का ऑटो प्रोटोलिसिस होता है, ऑटो प्रोटोलाइसिस। जैसे प्रीवियस जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में अगर देखें तो H2SO4 का बिहेवियर एसिड है और नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर बेस है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं तो नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर क्या होता है, वहां पे बेस है
H2SO4 एसिड है। जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो नाइट्रिक एसिड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। चलिए तो अब एग्जाम्पल लेते हैं इसके, जैसे अगर बेंजीन ले, नाइट्रिक एसिड एक बार डाइल्यूट लेते हैं तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब अगर इसकी रिएक्शन फिर से नाइट्रिक एसिड के साथ करें, पहली बार जो रिएक्शन हुई थी वो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हुई थी, अब 60 डिग्री सेल्सियस 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं, तो अब ये जो पहले से लगा नाइट्रो ग्रुप है वो तो मेटा डायरेक्टिंग है, माइनस एम वाला है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा डायरेक्टिंग है तो जो नया एनओ टू आएगा वो मेटा पोजिशन पर आएगा। और अगर इसकी रिएक्शन फिर से नाइट्रिक एसिड से करते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4, ऑल्दो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी हो जाएगी, मैं यहां पे नाइट्रिक एसिड के साथ H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ये बन गया ट्राई नाइट्रो बेंजीन। लास्ट वाली रिएक्शन और ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होगी तो लास्ट वाली रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पर होगी, पहले 50 पे, दूसरी 60 पे, तीसरी पे 100 पे। नेक्स्ट देखिए, अगर टॉलुइन लेते हैं, इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट से करते हैं तो ये बनेगा CH3 जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, तो एक तो पैरा नाइट्रो टॉलुइन बनेगा और दूसरा आर्थो नाइट्रो टॉलुइन बनेगा। अब आर्थो वाले में अगर देखें तो यहाँ पे इनके बीच में रिपल्सन है, इसलिए कंपेरेटिवली नॉर्मली जहां पर भी रिएक्शन होती है पैरा मेजर बनता है और आर्थो वाला माइनर बनेगा। अगर यहीं पर हम नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड ले लेते हैं तो अब ये CH3 NO2 ऑर्थो और पैरा, ऑल द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विल बी सब्स्टिट्यूटेड, नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड टू ट्राई नाइट्रो टॉलुइन TNT बन जाएगा। अगर फिनॉल रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करें, एक बार डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और एक बार कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो ये ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया जाए तो ये बन जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल, एंड ट्राई नाइट्रोफिनॉल का एक और नाम है, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 1, 2 ये थर्ड रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोर्थ वाली, अगर एनिलीन लिया जाए, इसको मैं देता हूं 5 स्टार, अगर एनिलीन लिया जाए इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से किया जाए या नाइट्रिक एसिड H2SO4 से, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है कि पैरा नाइट्रो एनिलीन तो बनता ही है लेकिन इसके साथ चूंकि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है,
तो ऑर्थो और पैरा वाला बनना चाहिए, पैरा वाला तो बनता भी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे मेटा नाइट्रोएनिलीन भी बन जाता है। तो फिर बच्चों का आर्ग्यूमेंट है कि हाँ ठीक है सर, मान लीजिए बन जाता है लेकिन कम बनता होगा, तो माइनर प्रोडक्ट तो बन ही सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जैसे बाकी यहाँ पे मान लो मेटा वाला बना होगा तो 1% या 0.5%, 2%, 1%, 2% बना होगा। इस रिएक्शन में 51% ये पैरा वाला बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जहां पे बाकी रिएक्शंस में मेटा वाला केवल 1% बन रहा था, यहाँ पे ये 47% बना है, ये 2%। और इसके साथ साथ कुछ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो यहाँ पे समस्या यही है कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि 47% एनिलीन बन गया, ये हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके रीजन ये है कि जब हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो अंडर एसिडिक मीडियम जो एनिलीन है वो कन्वर्ट हो जाता है एनिलीनियम आयन में, और जो एनिलीनियम आयन है ये वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाला है। कैसा है ये? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तो जब वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाएगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा आर्थो पे, फिर मेटा पे, पैरा पे, पास वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां पे सबसे ज्यादा, फिर ये वाला, और फिर सबसे कम ये वाला। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एनिलीन कन्वर्ट हो गया है एनिलीनियम में। नहीं, एनिलीनियम मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, वो केवल वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो वो फिर आर्थो, पैरा और मेटा तीन, भाई इंडक्टिव इफेक्ट वो तो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट तो आर्थो मेटा पैरा सबसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे ज्यादा कहां से खींचेगा? आर्थो में, फिर मेटा से, और फिर पैरा से। रेजोनेंस तो शो नहीं करेगा ना, मेटा डायरेक्ट नहीं कह सकते हम इसको। और देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इसी रिएक्शन से एनिलीन से आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाया जाए, तो फिर हमें एक मेथड यूज करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन। तो हमें एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एनिलीन लेंगे और एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड से। तो NH2 जाके अटैक करेगा, ये Cl निगेटिव निकल जाएगा और अब ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइनिलाइड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइनिलाइड NHCOCH3। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एनिलीन स्ट्रॉन्ग बेस था, तो स्ट्रॉन्ग बेस था कंपेरेटिवली, तो वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अब जो एसिटाइनिलाइड है ये एमाइड है, आप सबको पता है एमाइड वेरी एमाइड जो है दे आर वेरी वीक बेस, बहुत लेस बेसिक है। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे नाइट्रेटिक मिक्सचर से HNO3 और H2SO4 से, तो अब NO2 जाके जुड़ेगा आर्थो और पैरा पे, अब NH2, ये NHCOCH3, अब ये पैरा वाला बनेगा NO2 पैरा पे, प्लस साथ में आर्थो वाला भी बनेगा। लास्ट में इसका एमाइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, और जब एमाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ये फिर से एमाइड से अमीन बन जाएगा, ये NO2 NH2 ये बन गया पैरा वाला, प्लस साथ में आर्थो वाला, क्योंकि यहाँ पे पैरा के साथ स्पेस नहीं इसलिए मैंने बनाया नहीं, आर्थो वाला भी बना होगा। तो पहले स्टेप पे प्रोटेक्शन किया, दूसरे स्टेप में डी प्रोटेक्शन किया जिसमें सी एमाइड से फिर से एनिलीन बन गया। तो अगर हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है तो फिर हम ये वाली मेथड यूज करेंगे। ये हमारे पास एक मिथाइल है और दूसरा टर्सरी ब्यूटाइल है,
और इससे नाइट्रेशन किया जाए, नाइट्रिक एसिड H2SO4। तो अब देखिए ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये बल्की ग्रुप है, तो NO2 अगर ये CH3 है और ये टर्सरी ब्यूटाइल है तो ये ज्यादा बल्की है, तो NO2 फिर CH3 के पास वाली पोजीशन पर आएगा और फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा C। इसको शॉर्ट में ME3 लिख देता हूं। ठीक, जैसे अगर मान लो हमारे पास एक CH3 हो और एक OME हो, अब NO2 पॉजिटिव है ना, तो ये CH3 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये OME भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो OME की ऑर्थो पैरा पोजीशन ये है और इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है, तो अब कहां पे आएगा, तो अब जो अपकमिंग ग्रुप है दोनों में से जो मोर डोनेटिंग है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। तो ज्यादा मोर डोनेटिंग कौन है, OME, तो अब नया NO2 OME के ऑर्थो पोजीशन पर आएगा। जैसे दो CH3 हैं और इसकी रिएक्शन NO2 पॉजिटिव, कुछ भी ले लिया जाए, NO2 पॉजिटिव मतलब सोर्स कुछ भी हो सकता है। अब इस वाले के ऑर्थो पैरा पोजीशन ये वाली है, इस वाले के ऑर्थो पैरा पोजीशन ये वाली है, ठीक है, तो ये ऐसे। तो अब NO2 पॉजिटिव, कभी भी ध्यान रखना दो के बीच में तीसरा नहीं आता, ठीक है, कभी भी दो के बीच में तीसरा नहीं आता। कितना समझदार है NO2 पॉजिटिव, उसको पता है कि कहाँ जाना है, तो वो CH3 CH3 यहां पे नहीं आएगा, तो इधर यहां पे या यहां पे कहीं पर भी आए प्रोडक्ट सेम बनेगा, तो ये बन जाएगा। नोट कर लिया, डन, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन SO3 से करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगेन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन और SO3 में, अगर एसिडिक मीडियम रखा जाए, तो ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। अब देखिए सोर्स ऑफ SO3 क्या हो सकता है, तो एक तो H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 जिसको H2S2O7 यानी ओलियम भी कहते हैं, तो या तो ओलियम ले लीजिए या फिर डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए। ओलियम को ही कंसंट्रेटेड H2SO4 भी कहते हैं, तो अगर H2SO4 कंसंट्रेटेड होता है तो उससे SO3 की वेपर्स निकलती रहती हैं। अब देखिए डाइल्यूट H2SO4 या H2SO4 से H2SO4 की वेपर, SO3 की वेपर्स बनती कैसे हैं, तो चाहे डाइल्यूट H2SO4 लीजिए या कंसंट्रेटेड लीजिए, देखिए रिएक्शन कैसे होती है, H2SO4 डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव में। अब H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, इसको जब एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये प्रोटोनेट हो जाता है और प्रोटोनेट होके एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच टू पॉजिटिव बन जाता है। ओ एच
ये ऐसा। अब क्या होता है, ये वाटर निकलता है और ये वाला H प्रोटॉन निकल जाता है, मतलब ओवरऑल H3O पॉजिटिव निकला, पहले H2O निकला, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आया, सल्फर पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए H पॉजिटिव निकल गया, तो ओवरऑल H2O और H पॉजिटिव निकला और ये कन्वर्ट हो गया SO3 में। ये जो SO3 है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव, सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव है। नाउ दिस SO3 विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर एक साथ लिखना। देखो कैसे रिएक्शन होती है। बेंजीन है, ये है बेंजीन, SO3, ये है SO3, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो ये बन जाएगा ये H, ये S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O निगेटिव, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। अभी तक क्या होता था, इससे पहले वाली जो भी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, चलो देख लेते हैं पुरानी जो रिएक्शंस हमने पढ़ी थी उनमें क्या होता है कि सेकेंड स्टेप में बेस आता था और एच प्रोटॉन लेके जाता था। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या है, कि ये SO3 नेगेटिव इटसेल्फ बेस की तरह बिहेव करेगा, तो अब यही हाइड्रोजन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर और ये इधर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे ये वाला स्टेप स्लो है और दूसरा वाला और ज्यादा स्लो है, तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे रिमूवल ऑफ एच प्रोटॉन जो है, पहला वाला स्लो था ठीक है, दूसरा वाला और ज्यादा स्लो है ठीक है, तो अब सेकेंड स्टेप RDS हो जाएगा ठीक है। अब देखिए अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया जाए, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो एसिडिक मीडियम में रखने पर ये डिसोसिएट हो जाएगा SO3, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में और फिर से बन जाएगा बेंजीन। तो हम कहते हैं कि H2SO4 और बेंजीन रिएक्ट करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एस पॉजिटिव से रिएक्ट करके फिर से H2SO4 बना लेगा, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन है। नोट कीजिए इसको। अब पहले प्रीवियस पेज नोट कर लीजिए, फिर इस पे आते हैं।